तही अवसर दशरथ तही आए ओ तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो स्वर्ग से उतर के दशरथ जी आए लंका में कि नहीं? ये चौपाइयां सही है ना, रामायण की है कि बता देना थोड़ा। नहीं अपने मन से तो नहीं बोलते जा रहे, बना बना के बोल रहे हो। नहीं कहो कि महाराज तो खूब बना बना के बोलते ही चले जा रहे हैं, किसी की सुन भी नहीं रहे हो, अपने ही बोलते चले जा रहे। तही अवसर दशरथ तही आए तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तो दीना। इसका मतलब है कि दशरथ जी में उतरने की क्षमता है। बोलो है कि नहीं? उतरने की क्षमता है। तो अयोध्या वासियों को यह विश्वास नहीं है, लेकिन यह विश्वास है अयोध्या वासियों को कि निश्चित रूप से भरत जी राम जी को मना के वापस अयोध्या लाएंगे और सिंहासन पर बिठाएंगे। बोलो भरत क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपको केवल बड़ा भाई ही नहीं मानता हूं, मैं आपको स्वामी मानता हूं। केवल ऐसा नहीं है आप बड़े भाई हैं, आप स्वामी भी हैं और मैं आपका सेवक हूं। सारी दुनिया भले ही मुझे संत कहे लेकिन मैं अपने को संत नहीं मानता हूं, मैं तो आपका सेवक मानता हूं, आपका सेवक हूं। ये भरत आपका सेवक है, आप मेरे स्वामी हैं। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा कि प्रभु सेवक का धर्म ये कहता है कि स्वामी को संकोच में ना डाले। अब स्वामी क्या चाहता है ये स्वामी ही बतावे। अयोध्या वासी बोले लो गोलमोल बात हो गई। क्यों भाई हैं? स्वामी क्या चाहता है आदेश करे सेवक को। सेवक का यह धर्म नहीं कहता है कि स्वामी को संकोच में डाले, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे सेवक कि स्वामी संकोच में आ जाए। वो कैसा सेवक? वो सेवक ही नहीं है जो स्वामी को संकोच में डाले। जो सेवक साहिब ही सकोची और निज हित चहिता सुमति पोची। उसकी मति बिल्कुल थोथी है, पोची सारहीन। पोची का अर्थ हुआ है सारहीन मति, उसमें कोई सार नहीं है, वो मति किसी काम की नहीं है। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाले और मैं आपका सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालूं अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो आप ही आदेश दो भरत को कि भरत क्या करे, भरत क्या करे। भगवान राम ने कहा भरत सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता ने मेरा त्याग किया। हाँ किया, पिता की बात मान करके मैं आज जंगल में आ गया, मैं वन में आ गया, चित्रकूट आ गया। अब तुम आए हो मेरे पास तो पिता की बात मान के मैं चित्रकूट आ गया, तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या चलूं। लेकिन भरत यदि तुम मुझे वापस अयोध्या ले जाओगे तो ये राम भले ही अयोध्या का राजा बन जाएगा लेकिन इस धरती से धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। बोलो तुम राम को राजा बनाना चाहते हो कि धर्म को जीवित रखना चाहते हो? धर्म को जीवित रखना चाहते हो कि राम को राजा बनाना चाहते हो? क्या चाहते हो भरत? तुम धर्म की धुरी हो,
ये चित्रकूट में ही भगवान कह रहे हैं, रामायण की चौपाई पढ़ो, चित्रकूट में भगवान राम की वाणी से निकला, भरत तुम धर्म की धुरी हो। आगे स्पष्ट लिखा हुआ है, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। लोक मत वेद मत ये दोनों ही मत कह रहे हैं कि भरत धर्म की धुरी है। धर्म की धुरी को चाहिए कि धर्म को सुरक्षित करे। क्यों भाई, धुरी क्या करती है जल्दी बोलो, धुरी का काम क्या है? जैसे रथ में धुरी होती है, गाड़ी में धुरी होती है, तुम लोग तो किसान हो, अब ट्रैक्टरों का जमाना आ गया, पहले तो बैलगाड़ी का जमाना था। अच्छा, बैलगाड़ी का जमाना था तो गाड़ी में धुरी होती थी कि नहीं होती थी? ट्रैक्टर की ट्राली में भी धुरी होती है कि नहीं होती है? बिना धुरी के ट्राली रहती है क्या? धुरी होती है कि नहीं होती है? अच्छा एक बात बताओ, पूरा वजन कौन सहती है? बोलो भाई, ट्राली में भरा माल गन्ना और वजन सह रही धुरी। क्यों भाई, धुरी सह रही वजन की नहीं? और मैं ट्राली ट्रैक्टर धुरी के वजन सहती है धरती? बोलो सहती है धरती की नहीं? इसका मतलब है कि धरती पर धर्म रहता है, धरती पर धर्म रहता है। अर्थ क्या है इसका सुन लीजिए अब ध्यान से, इसी धरती पर धर्म रहता है, लेकिन धरती और धर्म के बीच में जो धुरी के रूप में होता है वो संत होता है प्यारे, जो धर्म की धुरी होता है। इसलिए भरत क्या है? धर्म की रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है, लेकिन धर्म की धुरी कौन है? भरत है। हे भरत तुम धर्म की धुरी हो, तुम ही बताओ, राम को अयोध्या में ले जाकर राजा बनाना चाहते हो कि धर्म को जीवित रखना चाहते हो? यदि राम वन में रहेगा तो धर्म जीवित होगा। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार था पै सुरन राखे निज सुत से तू, ओ जग विस्तार है विसद जस राम जन्म कर हे तू। राम का जन्म भरत सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, राम का जन्म तो राक्षसों का वध करके संत महात्माओं को सुखी बनाकर धर्म को सुरक्षित करने के लिए हुआ है। इसलिए धर्म की रक्षा करना राम का परम धर्म है। अब भरत तुम्हें बताओ, तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या वापस चलूं या धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रह जाऊं? बोलो जल्दी, क्या चाहते हो? अब एक बात बताओ, राज महत्वपूर्ण है कि धर्म महत्वपूर्ण है? बोलो, धर्म महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर धर्म सदा सदा के लिए चला जाए, और राक्षसों ने प्रतिज्ञा की है कि हम धर्म रहने ही नहीं देंगे, हम धर्म रहने नहीं देंगे, बोलो ये प्रतिज्ञा किसकी है? राक्षसों की प्रतिज्ञा है कि हम धर्म रहने नहीं देंगे। और भगवान राम कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा, मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और रावण की प्रतिज्ञा है मैं धर्म नहीं रहने दूंगा, और राम की प्रतिज्ञा है कि मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा। तो अब तुम ही बताओ भरत, रावण की प्रतिज्ञा पूरी हो कि राम की प्रतिज्ञा पूरी हो? बोलो जल्दी। अब भरत जी ने अयोध्या वासियों से कहा, बोलो बोलो जल्दी, किसकी प्रतिज्ञा पूरी होना चाहिए, रावण की कि राम की? रावण की प्रतिज्ञा है कि मैं धर्म नहीं रहने दूंगा, और राम की प्रतिज्ञा है मैं राक्षसों को नहीं रहने दूंगा। तो अब तुम ही बताओ भरत, क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे? भरत जी ने कहा, प्रभु डिसीजन क्या बताऊं आपको, निवेदन कर सकता हूं? हाँ तो निवेदन करके बताओ क्या। भरत को जीने के लिए आधार दे दो,
और अयोध्या वासियों के लिए भी वो आधार हो। और 14 साल तक अयोध्या वासी भरत ये सब सुरक्षित रहे, इसके लिए कोई आधार दे दो, इसके लिए आधार दे दो। नहीं क्या मतलब निकला कि इधर आप आगे राक्षसों को मारते चले गए और इधर पीछे अयोध्या वासी आपके वियोग में मरते गए, तो फायदा क्या होगा? इसलिए राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा आपने की है, वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो, लेकिन अयोध्या वासियों को जीने के लिए कोई आधार मिल जाए, भरत को जीवन जीने के लिए कोई आधार मिल जाए, बस यही उपाय आप कृपा करके करिए। भगवान ने कहा तो आधार बतावे, साधु संतों के लिए भक्तों के लिए जीने का आधार जानते हो क्या है? भगवान का चरण। और यदि भगवान का चरण न मिले तो भगवान का चरणोदक। बोलो जल्दी, जीने के लिए आधार किसको मानते हो? या भगवान का चरण या भगवान का चरणोदक। इसलिए मंदिर में जाते हो, रसगुल्ला मालपुआ चकाचक रखे हो, लेकिन पुजारी से पहले यही कहते हो थोड़ा चरणोदक दे दो। क्या मालपुआ मांगते हो? मालपुआ तो मिलेगा ही, जो भोग लगा है वो तो प्रसाद रूप में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ईमानदारी से बताओ क्या मांगते हो आप? चरणोदक। क्यों? ये चरणोदक ही जीवन का आधार है। बोलो है कि नहीं? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ता आए बसे बहु चोरा, मैं एक मित बट मारा, ओ सुनिए न मोर पुकारा, अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धामा। तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के शत्रु हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। हे राम, हे प्रभु, ये विकारों को भगाइए भगाइए भगाइए, कृपा करके आप आइए आइए। तो भगवान यही कहते हैं कि आने में हमें थोड़ा विलंब हो जाएगा, लेकिन इनको भगाने के लिए मैं कहता हूं मंदिर जाइए और चरणोदक लीजिए, और जैसे ही चरणोदक लोगे पियोगे तो ये सारे विकार चले जाएंगे। बोलो, तो ये विकार जो जाते हैं चरणोदक पीने से ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो राम जी के चरण दुर्लभ हैं, लेकिन राम जी का चरणोदक सुलभ है। बोलो है सुलभ कि नहीं? और चरणोदक अगर, अभी केवट का प्रसंग आपने सुना था ना, केवट ने भगवान के चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो, चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो, चरणोदक मांगा उसने, मांगा कि नहीं मांगा? पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ उतराई, चाहो आप चले जाइएगा लेकिन चरणोदक दे दो, बस केवल चरणोदक चाहिए। बोलो चाहिए चरणोदक कि नहीं? तो राम जी पास में आ गए, चरण भी सामने देख रहा है लेकिन चरणोदक की डिमांड कर रहा है कि मुझे चरणोदक चाहिए, क्योंकि चरण मिल जाएंगे ये चरण चल के कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन चरणोदक मिल गया तो अंदर ही रहेगा। क्यों भाई? चरणोदक मिल गया तो कहां रहेगा? बोलो जल्दी। हाँ, समझदारों के लिए इशारा काफी है, वैसे तो सब समझदार बैठे हैं। चरणोदक, इसलिए मैं कहता हूं चरणोदक चाहिए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज का मतलब है चरणोदक। केवट ने भी चरणोदक मांगा था, पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ उतराई, चहो मोहे राम रावर आन दशरथ सपद सब सांची कहो। और एक बात बताएं, भरत जी भी क्या मांग रहे हैं? आपन दारुण दीनता सब कहो सिर नाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भगवान के पद मांग रहे हैं पादारविंद चरणारविंद भरत जी, लेकिन चित्रकूट जैसे ही पहुंचे तो भरत जी महाराज से भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कहे आधार, तो कह रहे थे कि चरण चाहिए, लेकिन भगवान ने चरण ना दे करके चरण पादुकाएं दे दी। बोलो क्या दे दी? चरण पादुकाएं। बोलो दी कि नहीं दी? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी।
भगवान ने चरण पादुकाएं दी भरत को। भरत जी ने चरण पादुकाएं हाथ में ले ली। आप कहोगे भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा चरणोदक दे दो आप? सावधान, चरणोदक भरत जी ले लेते और पान कर लेते, ये ठीक था, मान लीजिए ये तो वहीं संभव था चित्रकूट में ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि ये चरणोदक भरत जी पान कर लेते और चरणोदक भरत के हृदय में रहता, अंदर रहता, उदर में रहता, उदरस्त कर लेते उसको। लेकिन भगवान को वापस लौटाने के लिए भरत के पास उपाय क्या था? फिर क्या विकल्प था बोलो भाई? भगवान को वापस लौटाने के लिए चरण पादुकाएं ही विकल्प हैं, बोलो हैं विकल्प कि नहीं? लेकिन भरत जी ने चरण पादुकाएं मांगी नहीं थी, भगवान ने चरण पादुकाएं स्वयं दी हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है कि चरण पादुकाएं मांगी हो, ये कहा था आधार दे दो तो भगवान ने चरण पादुकाएं दे दी। ये चरण पादुकाएं भगवान ने दी हैं। गोस्वामी जी कहते भरत मुदित अवलंब लहे थे अस सुख जस सिय राम रहे थे। बोले ये तो सीता ही राम जी मिल गए भरत को। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि चरण पादुकाएं चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। किसकी दृष्टि में? राम जी की दृष्टि में। राम जी की दृष्टि में चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। आप कहोगे महाराज कैसे? जैसे हम यहां आए, सुनना, तो आप हमें खोजोगे, हमारे चरण खोजोगे महाराज, थोड़ा सा चरण स्पर्श, थोड़ा सा। सारे लोगों की निगाह चरण पर रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारी निगाह रहेगी चरण पादुका पे, कोई ले ना जाए, कहीं ले ना जाए, क्यों? तो सही बताओ, ईमानदारी की बात है कि नहीं? जितने लोग बैठे हो सबकी निगाह रहेगी हमारे चरण पर कि महाराज का चरण थोड़ा छूने को मिल जाए, थोड़ा चरण। अरे कहाँ है चरण? अरे हटो जरा, चरणों तक हमें भी जाने दो। लेकिन हमारी निगाह रहेगी कहाँ? जहां हमारी चरण पादुकाएं रखी हैं कि कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। और याद रखना, भक्त कितने ही प्रेमी क्यों ना हो, हाथ पकड़ के हमें कहीं खींचे, लेकिन हम पादुकाओं की तरफ खींचेंगे। अरे हमको चप्पल तो पहनने दो, खड़ाऊ तो पहनने दो, फालतू की बात करते हो क्यों भाई? बार बार कहेंगे कि हमारी खड़ाऊ जहां रखी हमको वो पहनने दो, कहां ले जा रहे हो मुझे, कहां ले जा रहे हो मुझे? बार बार जो है खड़ाऊ, इसका मतलब ये है कि जहां पर खड़ाऊ रखी है वहां मुझे जाना ही पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार से भगवान ने भरत को विश्वास दिला दिया कि भरत चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से समय से अयोध्या आऊंगा, निश्चित रूप से अयोध्या आऊंगा। अरे राज्य लेने के लिए नहीं आऊंगा, अपनी चरण पादुकाओं को पाने के लिए जरूर अयोध्या आऊंगा। मैं राज्य का भूखा नहीं हूं, लेकिन मेरी पादुकाएं तुम्हारे पास रहेंगी, उन तक मैं जरूर आऊंगा। और सावधानी से समझना इस बात को, पादुकाएं साधारण नहीं होती हैं, जूते चप्पल में और पादुकाओं में बड़ा अंतर। पादुकाएं महात्मा ही पहनते थे पहले तो, अब तो सभी चटर पटर करने लगे। बहुत लोगों को मैंने देखा सभी पहनने लगे, और जो नहीं पहनते हैं वो कहते हैं महाराज ये खड़ाऊ कहाँ मिलती हैं? हमने कहा तुम्हें क्या मतलब है? बोले हम सोच रहे हम भी ले आएंगे है? हमने कहा ये खड़ाऊ ऐसे थोड़ी मिलती हैं। अरे बोले बाजार में मिल जाएंगी, आप तो पता बता दो, हम तो ले आएंगे, और अगर नहीं मिलेंगी तो फिर हम आप ही की ले जाएंगे मौका पा के। लेकिन या तो आप पता बता दो, नहीं तो हम आपके ही की ले जाएंगे। अरे मैंने कहा ऐसे नहीं पहनी जाती हैं पादुकाएं, तुम लोग फालतू की बात करते हो। बोले कैसे पहनी जाती हैं? हमने कहा पादुका वो पहनते हैं जिनके पैर संभले होते हैं, जिनके पैर संभले होते हैं। अच्छा सबको अभ्यास है पादुका पहनने का, चरण पादुका पहनने का? बोलो नहीं है सबको अभ्यास थोड़ी है, गिर जाओगे एक मिनट में इधर उधर। लेकिन जिनके पैर संभले हैं वो पैर चरण पादुकाओं को संभाले रहते हैं, पैर संभाले रहते हैं पादुकाओं को। लेकिन जूते चप्पल जो हैं तुम्हारे पास वे तुम्हारे पैर को संभाले रहते हैं। बोलो संभाले रहते हैं कि नहीं? जूते चप्पल क्या करते हैं? तुम्हारे पैर को संभाले रहते हैं। लेकिन पादुकाएं वो हैं कि पैर ही पादुकाओं को संभाले रहते हैं। बोलो संभाले रहते नहीं? पादुका तो इधर भगती इधर भगती। देखो पहनने जो अनाभ्यासी लोग हैं, जो कभी पहने नहीं है, वो पहली बार पहने पर देखो
इधर भग रही उधर भग रही और जबरदस्ती घसीटते जा रहे हैं, है नहीं? अभ्यास की बात है। हम तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे पादुका पहन करके, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और चढ़ ही गए हैं, चढ़ ही तो आए हैं, चढ़ नहीं आए? देखो रखी है पादुका, क्या पहन के आए हैं बोलो? पादुका ही पहन के आए हैं कि नहीं? चरण जिसके संभले होते हैं उसी को पादुका पहननी चाहिए, और चरण उसके संभले होते हैं जिसका आचरण संभला होता है उसी के चरण संभले हुए होते हैं। जिसका आचरण संभला होता है उसके चरण संभले होते हैं, और ऐसे ही चरणों को चरण पादुकाएं स्वीकार करती हैं। इसलिए सबको चरण पादुका पहनने का अधिकार नहीं है, महात्मा ही पहनते थे और महात्मा को ही पहनना चाहिए, ये परंपरा है। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान राम ने भरत जी को पादुकाएं दी तो भरत जी ने सिर पर रख ली, बड़ी बढ़िया बात है। कहां रख ली पादुकाएं? अब सुनते जाना जरा एक एक बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते चले जा रहे हैं तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि समझा दूं, और इतना सरल करके समझा रहा हूं कि मैंने पूरी ताकत लगा दी है प्रसंग को सरल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी समझ में आ जाए। और इससे ज्यादा यदि हम सरल करेंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे सीधे, क्योंकि हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा, कितना सरल करें। लेकिन नहीं नहीं, तुम लोग समझ रहे हो तभी तो प्रतिक्रिया कर रहे हो, अगर समझे ना होते हमारी बात को, समझे ना होते तो प्रतिक्रिया कैसे करते? एक एक शब्द को सुन रहे हो और बड़ी गौर से सुन रहे हो। तो आइए सुनिए, भगवान राम ने कहा कि आधार, आधार दे रहा हूं। आधार क्या दिया? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। अच्छा भैया, आधार के लिए तो पीतांबर भी दे सकते थे, क्यों भाई? दे सकते थे ना, कि जीवन जीने के लिए भरत तुम पीतांबर ले जाओ, ये पीतांबर का ध्यान करते रहना, ये पीतांबर आधार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो पुजारी भगवान का वस्त्र आपको भेंट करता है कि नहीं करता है, बोलो भाई? और आप गले में डाल लेते हो, कहते हो मेरा जीवन धन हो गया, क्योंकि देवता का दर्शन करने आया था, देवता का वस्त्र मुझे मिल गया, अब तो मैं घर ले जाऊंगा पूजा करूंगा, क्यों? यही भाव होता कि नहीं? तो भगवान के पास देने के लिए बोलो पीतांबर था कि नहीं था? पीतांबर भी था, लेकिन पीतांबर तो भगवान ने दूर कर दिया था। भरत के जैसे ही आने का समाचार सुना कि भरत आ गया तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा कौं पट कौं निखंग धन तीरा, बोलो भाई पीतांबर अलग कर दिया। लेकिन सत्य तो ये है कि भरत जी को पादुकाएं ही दी भगवान ने, ये चरण पादुकाएं आधार बन गई भरत के लिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरलीनी। बोले पादुका में अनुभव क्या हुआ? भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सियाराम रहे थे। भरत जी को उन पादुकाओं में यह अनुभव हुआ कि सीताराम जी मिल गए। क्या मिल गए? सीताराम जी मिले। केवल राम जी नहीं, सीताराम जी दोनों ही मिल गए। पादुकाएं दो होती हैं कि एक होती? जल्दी बोलो, पादुकाएं दो होती हैं कि नहीं, कि एक होती पादुका? दो। तो सीताराम दोनों मिले और भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही धारण किया तो भगवान ने कहा भरत अब संतुष्ट हो? संतुष्ट हो कि नहीं? भरत जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा है, ये आधार दे दिया, हम संतुष्ट ही हैं। लेकिन हम थोड़े से संतुष्ट नहीं हुए हैं। भरत जी ने कहा क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें पादुकाएं दी हाथ में और तुमने रख ली सिर पर। हमने तो हाथ में दी थी, ये थोड़ी कि सिर पर तुम्हारे रखी हूं। अच्छा, भगवान ने सिर पर रखी थी भरत की पादुकाएं के हाथ में दी थी? है? हाथ में सादर भरत शीश धर लीनी, भरत ने शीश पर रखी, राम जी ने तो हाथ में। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, हाथ से भगवान ने पादुकाएं भरत के हाथ में दी, लेकिन भरत जी ने सादर भरत शीश धर लीनी।
तो भरत मैंने तो हाथ में पादुकाएं दी थी, तुमने सिर पर क्यों रख लिया? पादुकाएं सिर पर रख ली तुमने भरत? भरत जी ने कहा हाँ सिर पर तो रख ली। तो आधार मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने तो इन पादुकाओं को भार बना लिया। क्योंकि सिर पर कोई वस्तु आ जाती है तो ईमानदारी से बताओ वो सिर के लिए भार बन जाती है कि नहीं? जैसे सिर पर कोई वस्तु आ गई तो वो सिर के लिए क्या बन जाती है, जल्दी बोलो, भार। तो तुमने आधार को भार क्यों मान लिया? भरत जी बोले प्रभु अब आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सेवक की यही सोच है कि आपने भार नहीं दिया, आपने तो आधार दिया है। अगर आप 14 साल बाद लौट के आते तो ये 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य भरत के सिर पर भार बना रहता, बना रहता भार कि नहीं? लेकिन आपने इतनी बड़ी कृपा की, 14 साल तक अयोध्या के भार को ढोने के लिए आपने चरण पादुकाओं का आधार भरत को दे दिया है। अब भरत के सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अब भरत नहीं चलाएगा अयोध्या के राज्य को, अब तो ये पादुकाएं ही राज्य का संचालन करेंगी, इसलिए सबसे बड़ा आधार मिल गया। बोलो कितना बड़ा समर्पण है भगवान के चरण से, ज्यादा चरण पादुकाओं के प्रति भरत जी का समर्पण है। देख रहे हैं आप ये चरण पादुकाएं सामने रखी हैं, ये कामदगिर भगवान की चरण पादुकाएं हैं। अगर हम भगवान के कामदगिर के चरण लाते सीधे डायरेक्ट तो कामदगिर भगवान को लाना पड़ता कि नहीं? तो स्थावर देवता को हम भदौना के सिद्ध बाबा के पहाड़ पे कैसे ले आते? लेकिन याद रखना विशेषता यही तो है चरण पादुकाओं की कि कामतानाथ स्थावर देवता हैं, उनका संपूर्ण विग्रह तो चित्रकूट में स्थापित है, लेकिन उनकी चरण पादुकाएं सचल रूप से हैं और आज भदौना के सिद्ध बाबा के पहाड़ पर आ गई हैं। तो ये चरण पादुकाएं चल के आ गई हैं, इनको ले आया गया, तो बोलो ये सौभाग्य सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दर्शन का? इसलिए विशेषता इन चरण पादुकाओं की यही है, भगवान की चरण पादुकाएं भरत जी लेकर के बाप